शहर का सबसे बड़ा फ्लाईओवर यानी कि अटल ब्रिज अपने निर्माण के बाद और लोकार्पण के बाद कोई ना कोई मुद्दे को लेकर विवाद का स्थान बना है। ऐसे में 225 करोड़ की लागत से निर्माण किए गए वैसे फ्लाईओवर ब्रिज पर एक बार फिर दरारें नजर आने के साथ तंत्र द्वारा इसे छिपाने के लिए और अपनी कच्ची और खोखली कामगिरी का उजागर किया है। शहर का सबसे लंबा फ्लाईओवर यानी कि अटल ब्रिज एक बार फिर विवादों का स्थान बना है, जहां यहां पर गिरी वैसे दरारों के चलते कच्ची और भ्रष्ट कामगिरी की पोल खुली है। जाहिर सी बात है कि गुजरात का सबसे लंबा फ्लाईओवर अटल ब्रिज 225 करोड़ की लागत से निर्माण किया गया है, जहां इसका लोकार्पण करने के महज कुछ ही महीनों में ये ब्रिज के रोड पर कहीं ना कहीं गड्ढे नजर आए थे। ऐसे में अब ब्रिज की दीवारों पर दरारें नजर आने के साथ कहे जाते वैसे ब्रिज की मजबूताई और इसकी कच्ची और भ्रष्ट कामगिरी का उजागर किया गया है। अटल ब्रिज ढेरों बार विवाद का स्थान बनते रहने के बीच गेंडा सर्कल की ओर से नीचे उतरने की दीवारों पर दरारें नजर आते हुए तंत्र अब एक्शन मोड में आया है। ऐसे में अपनी भ्रष्ट कामगिरी को छुपाने के लिए फिलहाल ये दरारों को भरने की कामगिरी चालू की गई है। लोकार्पण के बाद ये ब्रिज पर कहीं ना कहीं गड्ढे या तो फिर ब्रिज की रेलिंग भी उखड़ जाने के साथ अब ब्रिज की दीवारों पर दरारें नजर आ रही है। कई बार दीवार के पत्थर भी टूटते हुए तंत्र द्वारा की गई वैसी मजबूत कामगिरी पर भी सवाल खड़े हुए हैं। इससे पहले भी रॉकस्टार सर्कल के पास यही दरारें नजर आई थी, तो वहीं दूसरी ओर सवाल पैदा हो रहा है कि 225 करोड़ की लागत से निर्माण किया गया वैसा गुजरात का सबसे लंबा फ्लाईओवर यानी कि अटल ब्रिज पर की गई कामगिरी पर कॉरपोरेशन द्वारा क्या निरीक्षण और सुपरवाइजन किया गया था। पूर्व कॉरपोरेशन के कमिश्नर वैसे शालिनीबेन अग्रवाल तथा स्थायी समिति के चेयरमैन हितेंद्र पटेल द्वारा ढेरों बार ब्रिज की मुलाकात भी ली गई थी, तो वहीं कहीं ना कहीं ये मुलाकात में कमी रह चुकी वैसा नजर आने के साथ अब आए दिनों में ये ब्रिज पर कहीं तो गड्ढे तो वही दीवारों पर दरारें नजर आ रही है।